पहले बताओ कि पहाड़ा कहाँ तक आता है टेबल आपको? ज्यादातर हम लोग क्या है कि 15-20 ऐसे याद करते हैं, 20 तक याद करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि 20 तक टेबल याद हो गया तो बस वही स्टॉप कर दो, उससे आगे भी सीखना चाहिए। तो मैं आपको एक आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप दो अंकों की संख्याओं का मतलब 99 तक आसानी से टेबल पहाड़ा लिख सकते हो। ठीक है, तो हम बता रहे हैं, देखो कैसे लिखना है, बताओ किस नंबर का पहाड़ा लिखे? 97 का लिखे। ठीक है, 97 का लिखते हैं। ठीक है, 97 का पहाड़ा लिखते हैं। इसके लिए आपको 9 तक टेबल याद होनी चाहिए, समझाया? 9 तक टेबल याद होनी चाहिए, 9 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। हमने लिख लिया 97। अब जो ये नंबर लिखा है, अब इसी के नीचे हम इसका पहाड़ा लिख देंगे, यहाँ पर 9 का पहाड़ा लिख देंगे और इधर 7 का पहाड़ा लिख देंगे। ठीक है, चलो बोलो, 9 1 जा 72 और 99 जा 81 और 910 जा 90। ठीक, अब 7 के नीचे 7 का टेबल लिख देंगे, 7 का। ठीक है, 7 1 जा 7 72 जा 40 73 जा 21 74 जा 28 75 जा 35 76 जा 42 77 जा 49 78 जा 56 79 जा 73 और 710 जा 70। ठीक है, हमने जो हमारा नंबर था 97, 9 और 7 से मिलकर बनाया 97 की। अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम इधर सबसे पहले लिख लेंगे, बताओ क्या है 7। ठीक है, 4 1 8 5 2 9 3 0। ठीक, अब जो ये नंबर बचे, ठीक है, इनको हम आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? 9 है यहाँ पर, इधर 0 है, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब क्या आएगा? 9। वैसे भी 97 97 ही होगा। अब 18 और मैम 19, इधर 19 लिख लेंगे। ठीक है, इधर क्या है, 27 और 2 29, 36 और 2 45 और 3 48 54 और 4 58 63 और 4 67 72 और 5 77 81 और 6 87 90 और 7 97। हमारा 97 का टेबल तैयार हो गया। ठीक है, आसान है। Yes, ठीक है, अब आप लोग भी एक नंबर की